बताओ भाई, टेंस क्या होता है? टाइम के बारे में बताता है, तुम बताओ क्या? क्रियाओं के बारे में तुम बताओ। टाइम, टाइम, टाइम। तो टाइम क्यों नहीं बोलते, टेंस क्यों बोलते हैं? सिर्फ टाइम क्यों नहीं बोला जाता? टाइम और एक्शन, तो मेन चीज़ क्या होती है इसमें? पहला चीज़ क्या होती है? दो चीज़ों पर डिपेंड करता है टेंस। पहली चीज़ क्या है? टाइम। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर? एक्शन। तो लिख लो, डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। अब क्या हो रहा है ये? डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, टाइम और दूसरा एक्शन। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, ये क्या शो करता है? किसी भी एक्शन के टाइम को जो शो करता है उसे क्या बोला जाता है? टेंस। अब अगर आप टाइम के बारे में बात करें, अब लिखो मैं, सुन लो पहले। टाइम के बारे में बात करें तो टाइम को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है आपने। पहला पार्ट क्या होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, तीसरा पार्ट क्या होता है? फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब बताओ क्या है? जो अभी चल रहा है उसे क्या बोल देते हैं आप? प्रेजेंट है, मतलब जो ऑन गोइंग है अभी वो क्या है? प्रेजेंट है। पास्ट क्या है? कल हो गया, और जो परसों हो गया वो तो ऐसा नहीं है जो कल हो गया परसों हो गया, जो प्रेजेंट है अभी वही क्या बन जाता है बाद में जाके? पास्ट। तो वास्तव में जो बीता हुआ प्रेजेंट होता है उसे ही क्या बोला जाता है? पास्ट। क्लियर है? प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है, और पास्ट का मतलब जो प्रेजेंट पीछे जा रहा है वही क्या बनता जा रहा है? पास्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर, ये बताओ ये क्या होता है? आने वाला, ये बड़ा होगा आपने, आने वाला कल। बट जैसे आपने बोला कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा या परसों दिल्ली जाऊंगा या कल मेरी मीटिंग है, तो जो आपके कल जो काम होने वाला है वो जो आपने एक्शन बोला, या तो आपने प्रेजेंट में बोला होगा या आपने कि भविष्य में जाके बोला होगा आपने वो वाली बात, नहीं तो बोला होगा प्रेजेंट और पास्ट में। तो फ्यूचर कोई टाइम नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया था। ये हमारी केवल कल्पनाएं होती हैं, इमेजिनेशंस होती हैं, कल मैं ये करूंगा, परसों मैं वो करूंगा। तो टाइम केवल दो ही है वास्तव में, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर कोई टाइम नहीं है, ये हमारी क्या है? एक तरह से केवल अजम्पशंस। क्या है हमारी? अजम्पशंस, इमेजिनेशन बोल दीजिए आप। ठीक है, तो टाइम केवल दो है, प्रेजेंट और पास्ट। वो क्या है हमारी? केवल अजम्पशंस हैं, कल्पनाएं। अब बात करेंगे एक्शन के बारे में। अब एक्शन को डिवाइड किया गया है चार पार्ट में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला एक्शन है कॉन्टिन्यूस एक्शन। बताओ क्या होता है कॉन्टिन्यूस? क्या हो गया? क्या होता है कॉन्टिन्यूस एक्शन? जो अभी कंटिन्यू हो रहा है। जल्दी बैठो। हाँ, कंटिन्यू का मतलब बताओ। इसे मान लो, ये कोई प्राणी है, वो ड्राइंग बना रहा है ना, अज्यूम करना है बस केवल आपको। यहाँ कुछ रखा हुआ है सामान वामान जो भी है, खाने पीने का। ठीक है, तो अभी ये कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है, अभी ये स्टैटिक खड़ा हुआ है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही ये बढ़ना स्टार्ट करेगा इसकी तरफ, तो एक्शन क्या हो जाएगा? वो कॉन्टिन्यूस। मतलब जैसे ही काम को स्टार्ट करते हैं तो काम क्या हो जाता है? वो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसने ऐसे खाना वाना स्टार्ट करा। अब जब इसने खाना स्टार्ट किया तो खाना खत्म भी तो होगा कि नहीं होगा? या इसका पेट भर जाएगा, होगा कि नहीं होगा? मतलब जो एक्शन है वो खत्म होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ही खत्म होता है एक्शन तो वो क्या बन जाता है? परफेक्ट। क्या बन जाता है? परफेक्ट। जैसे ही काम स्टार्ट हुआ तो कॉन्टिन्यूस, जैसे ही काम खत्म हुआ तो परफेक्ट। अब ये क्या होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? स्टार्ट करके खत्म कर दिया, बताओ। ज़्यादा भावनाओं में रही हो तो, और कोई
ऐसे बताओ, ऐसे कि मतलब क्या एक्शन होगा जिसमें आप परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों आ जाएंगे, बताओ। कौन बता रहा है, बताओ। भरने के बाद भी घर है। ठीक है, दोनों को मिला के क्या बनना है वो बताओ ना। अच्छा, और कोई तुम बताओ, बीच बीच में आस्ट तुम बॉय। अच्छा, दोबारा चालू कर रहा है मतलब काम खत्म करने के बाद। नहीं, लास्ट बॉय मतलब परफेक्ट होने, काम कंप्लीट होने के लिए चले जा रहा है। बढ़िया, और तुम्हारा क्या है, तुम्हारा देखो कॉन्ट्रेस्ट का मतलब काम चल रहा है, इसका मतलब काम कंप्लीट हो गया है, उसका मतलब क्या है। जैसे मान लो कि यही प्राणी है, इसे काम दिया गया करने के लिए कि यहाँ से ये सामान उठा के इसे यहाँ पे रखना है, ठीक है। जैसे ही इसने वर्क को स्टार्ट किया तो वर्क क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। यहाँ से सारा सामान यहाँ पर आ गया तो वर्क क्या हो गया, परफेक्ट। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन 2 घंटे बाद लौट के आए और अभी भी काम कर रहा था ये। 2 घंटे हो गए काम करते करते और अभी भी काम क्या कर रहा है, ये करे ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 घंटे इसने टाइम टेकन कर लिया, तो 2 घंटे में कुछ तो काम किया कि नहीं किया इसने, बताओ। किया होगा ना, तो 2 घंटे में जो काम इसने कंप्लीट कर लिया वो क्या हो गया, परफेक्ट। और अभी भी काम चल रहा है मतलब कॉन्टिन्यूस। तो जहां पे काम हो भी गया है और काम चल भी रहा है, जैसे आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 घंटे तो पढ़ लिया आप, वो परफेक्ट हो गया, और अभी भी चल रहा है मतलब कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो जहां पे एक्शन हो भी गया है और चल भी रहा है, इट इज कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट पार्ट है इनडेफिनेट। ये बताओ क्या, बताओ भाई बताओ, बताओ। इंडेफिनिट। हाँ सर, इंडेफिनिट सिंपल, जैसे मतलब प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकली। जैसे प्रैक्टिकल था ही, चल रहा था यहाँ पर, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ हो भी गया है और चल भी रहा है, तो वहाँ पर। हाँ वो तो प्रेजेंट हो गया ना, डेली हैबिट वाला सिस्टम। पास्ट की हैबिट हो तो फिर पास्ट में क्या पता। हाँ, डेफिनेट ना हो, अगर डेफिनेट होता लिखा होता ना, डेफिनेट लिखा होता फिर तो यहाँ पर, अगर डेफिनेट होता तो। देखो जैसे आप बोलते हैं कि मैं खाना खाता हूँ या मैंने खाना खाया, तो जब आप बोलते हैं कि मैंने खाना खाया या मैं खाना खाता हूँ, तो वहां पे आपको टाइम मेंशन नहीं है, दे रखा है मेंशन आपने, नहीं दे रखा, बस ये पता है कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ है या प्रेजेंट में कोई एक्शन होता जाता है, डेली डेली हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जहां पे क्या है, काम की डेफिनेट नहीं है, काम क्या है, डेफिनेट है कि नहीं। जैसे मान लो कि मैं खाना खाता हूँ, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है खाना खाना खा रहे हैं आप, शो हो रहा है, ऐसा ऐसा शो हो रहा है खाना खा चुके हैं आप, नहीं हो रहा। तो जहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूस शो नहीं हो रहा और ना ही काम का होना शो हो रहा है, तो वहीं पे क्या बन जाता है, वो इनडेफिनेट लिख लो। तो जहाँ पे काम डेफिनेट नहीं होता, वही क्या बन जाता है, इनडेफिनेट। अब लिख लो, आर्टिस्ट गिरी ना करे। ठीक है, टाइम 3 टाइप्स के, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। एक्शन 4 टाइप के, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और इंडेफिनेट। कॉन्टिन्यूस का मतलब काम चल रहा है, परफेक्ट का मतलब काम खत्म हो गया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब काम हो भी गया है और चल भी रहा है, और इंडेफिनेट का मतलब जहां पे काम डेफिनेट नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया, कर लो नोट कर लो आराम से। जहां पे एक्शन,
पार्शियली डन। हो गया, आगे बढ़ा। चलो अगला देखो भाई। अब वहां पर एक चीज लिखी थी, वर्ब क्या लिखा था? एक्शन। एक्शन के लिए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किया जाता है? कौन सा यूज किया जाता है? वर्ब। तो हमने क्या बना दी वहां पर? एक वर्ब बना दी एक्शन के लिए, और वर्ब की फॉर्म्स बना दी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में ING, फर्स्ट फॉर्म में S या फिर ES, ऐसे फॉर्म बना दी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म और SAES। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में दे रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये शो करती है कि वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट। अगर आपको दे रखी है सेकंड फॉर्म, तो वो क्या शो करेगी? पास्ट। अगर आपको दे रखी है थर्ड फॉर्म, तो वो क्या शो करेगी? परफेक्ट। अगर आपको दे रखी है ING फॉर्म, तो वो क्या शो करेगी? कॉन्टिन्यूस। अब ये जो वर्ब दे रखी है, ये स्पेशल वर्ब है। इस वर्ब को सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बोला जाता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म होती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAS होती है। ऐसा कैसे पता चलेगा? पता भैया आपको, जैसे आपने देखा होगा कहीं कि अगर ही लिखा हुआ है, तो गो लगाओगे या गोज? गो। और ही की जगह मैं लगा दूं दे, तो क्या लगाओगे, गो या गोज? यहाँ पे आप लगाओगे गो और यहाँ पे लगाओगे गोज। क्यों? क्योंकि ही क्या है यहाँ पर? सिंगुलर। और दे क्या है यहाँ पर? प्लूरल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आप वर्ब में SAES लगाते हैं, तो वो क्या बन जाती है? सिंगुलर। याद रखें इंपॉर्टेंट बात है। देखो, वर्ब में अगर लगाओगे आप SAES, तो वो क्या बन जाएगी? सिंगुलर। लेकिन अगर आप नाउन में लगाते हैं SAES, तो वो बन जाता है क्या? प्लूरल। अगर वर्ब में लगाएंगे SAES, तो वो क्या बनेगा? सिंगुलर। अगर नाउन में लगाएंगे, तो वो क्या बनेगा? प्लूरल। कैसे? जैसे मान लो कि बॉय दे रखा है तुम्हें, और मैं कर दूं इसे बॉयज, तो क्या है ये? प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल है ना। इसका मतलब क्या है कि नाउन में लगाएंगे, तो वो क्या बनेगा? प्लूरल। और वर्ब में लगाएंगे, तो वो क्या बनेगा? सिंगुलर। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना इसे। हो गया। अब देखो, इसका यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में, इसका पास्ट में, इसका परफेक्ट में, इसका कॉन्टिन्यूस में, और इसका यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। स्पेशल वर्ब है, स्पेशल टेंस के लिए बनाई है प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस दे रखा हो, तो वो किसके लिए यूज की जाएगी? अब देखो, कुछ वर्ब्स की स्पेशल फॉर्म्स होती हैं, तीन फॉर्म्स हैं, बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब। थ्री टाइप्स की वर्ब्स होती हैं, बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब। यहाँ अगर आप बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है यहाँ पर? इज, एम आर, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसी की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज और वर, और इसी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। ऐसी हैव वर्ब है, हैज और हैव होती हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
और हेड होती है सेकंड फॉर्म, और हेड होती है थर्ड फॉर्म। ऐसे ही डू वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है, और जो डज होती है वो यहाँ पर आती है। ये नोट कर लो, ये इम्पोर्टेंट। बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर्ब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म, एज ए फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकेंड फॉर्म, डू डिड डन थर्ड फॉर्म। लिया, साथ में नोट कर रहे हो क्या? अब लेके हेडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। तो आपको आइडेंटिफाई बताना है कि टेंस कौन सा है ना। पहला टेंस शी वॉज अ डांसर, दूसरा आई हैव अ कार, he was doing her work, I have done my work, करो जरा आइडेंटिफाई, बताओ कौन सा टेंस है। शी वॉज अ डांसर, आई हैव अ कार, शी वॉज डूइंग हर वर्क, आई हैव डन माई वर्क। पूछूं, तुम बताओ ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, फाइनल। ये बता रही हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तुम्हारा अरे चेंज कर, एक बार बता दो पहले। इनडेफिनिट हो गया। हाँ ये तुम बताओ, जल्दी बोलो। डैन में इतना बता नहीं, पीछे सेकंड वाला प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट सिंपल, क्या सिंपल? प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, क्या सिंपल प्रेजेंट बताओ? कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट तुम बताओ? परफेक्ट डेफिनेट सिंपल, कौन सा प्रेजेंट पास्ट? प्रेजेंट। नेक्स्ट पीछे दोनों, प्रेजेंट परफेक्ट दोनों का। हाँ तो देखो, बचपन में हमने पढ़ा होता है कि जो हैव होता है, हैज हैव जो होता है उसे यूज किया जाता है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। ये तो पढ़ा है, बट ऐसा नहीं है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, आप आइडेंटिफाई करेंगे। अभी लिखाया था आपको स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे चेक करोगे हैव कौन सी फॉर्म है वर्ब की, ये बताओ कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और बताया था वहां पर फर्स्ट फॉर्म क्या शो करती है, क्या शो करती है? प्रेजेंट। अब इसके आगे चेक करो, कोई वर्ब दे रखी है इसके आगे आपको? नहीं दे रखी। तो इसका मतलब क्या है, ना तो ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि आई एन जी फॉर्म नहीं है इसमें, ठीक है, ना थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट भी नहीं है ये। तो बचा कौन सा फिर? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो टेंस कौन सा है ये? प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट बोल लो, एक ही बात है।
प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेंस कौन सा हो जाएगा ये? प्रेजेंट इंडेफिनेट, ना कि परफेक्ट। क्लियर? अब फर्स्ट सेंटेंस बताओ कौन सा है? पास्ट। कैसे पता? हमने पढ़ा होता है कि वॉज आता है कॉन्टिन्यूस में, हमेशा आता है कि नहीं आता है, बट ऐसा नहीं है। देखो वॉज कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? पास्ट। और आगे कोई फॉर्म नहीं दे रखी, इसका मतलब क्या बचा ये? इंडेफिनिट। ठीक है, यहां पर देखो ऐसे ही करना, आइडेंटिफाई सेकेंड फॉर्म लिख के वहां पे पास्ट लिखना, तभी समझ में आएगा हमेशा वो। अब यहां पे देखो वॉज कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकेंड फॉर्म। तो क्या शो कर रही है ये? पास्ट। अब यहां पे लिखा है आईएनजी फॉर्म, तो क्या शो कर रही है ये? कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस ऐसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आई हैव डन। हैव कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। क्या शो कर रही है? प्रेजेंट को। और डन कौन सी फॉर्म है वर्ब की? क्या शो कर रही है? एक सेंटेंस और लिखो, लिखो आई हैव बीन, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 6 आवर्स, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 6 आवर्स। कौन सा टेंस है? कैसे पता? आराम आराम से। हाँ कैसे पता? हैव बीन लिखा है, डूइंग लिखा है, जी तुम बताओ। ठीक है, और तुम बताओ कैसे पता? टाइम के साथ, कौन सा टाइम वाला? तो देखो जो बता रहे हैं कि वहां पे आगे लिखा हुआ है फॉर 6 आवर्स, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, ये गलत है। इस 6 घंटे से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा टाइम का यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही होगा, डिपेंड करता है किसके ऊपर? वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है केवल, है ना। अगर आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है तो वो केवल वर्ब के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे आप, ना कि टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको दे रखा है उसने हैव, उसके बाद दे रखा है आपने बीन, और उसके बाद दे रखी है उसने आई एन जी फॉर्म। तो हैव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या शो कर रही है ये? प्रेजेंट। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या शो कर रही है? परफेक्ट। और आई एन जी मतलब कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऐसे होगा। क्लियर? एक और लिखो, देखो आई हैड कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। यहीं लिख रही, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, बताओ। पास्ट परफेक्ट, बढ़िया। बट एक दिक्कत बताओ, वहां पर देखो एक चीज दे रखी है, वहां पर आपको हैड दे रखी है ना, और वहां बताया था आपको कि जो हैड होता है वो आपकी सेकंड भी होती है और थर्ड भी होती है, यही तो पता है। तो थर्ड क्यों नहीं चेक करा आपने, सेकंड क्यों चेक करा पहले? हैं, अबे हेड को सेकंड फॉर्म क्यों माना, थर्ड क्यों नहीं माना, ये पूछ रहा हूँ बस। हाँ जी सर। अच्छा, अगर ना होता थर्ड मानते फिर? क्या बीन मतलब हेड को सेकंड फॉर्म क्यों माना, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं माना स्टार्टिंग में? और कोई रीजन? देखो स्टार्टिंग में लिखाया होगा कुछ, यहाँ पे देखो यहाँ बताया था कि टेंस जो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, टाइम और एक्शन के ऊपर। तो ऐसे ही चलेगा ये, सबसे पहले हम चेक करते हैं उसका टाइम कौन सा है, और उसके बाद हम चेक करते हैं उसका एक्शन कौन सा है। तो टाइम तो केवल दो ही है ना, प्रेजेंट और पास्ट, वो तो है नहीं है कोई। तो फॉर्म भी कितनी है हमारे पास? फर्स्ट फॉर्म और
सेकेंड फॉर्म। सबसे स्टार्टिंग की अगर आप टेंस की करेंगे तो पहले चेक करेंगे आप टाइम कौन सा है। तो केवल दो ही फॉर्म होती है स्टार्टिंग में, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म दे रखी थी हैड, उसके बाद दे रखा है क्या, कंप्लीटेड, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, लिख लो वहां पर पास्ट परफेक्ट। अब कर लेंगे आइडेंटिफाई टेंस को। अब स्टार्ट करो, लिखो फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बस हेडिंग लिख लो। अब लिखो हेडिंग वोकैबुलरी, वोकैबुलरी। वोकैब में क्या कराया था लास्ट, कुछ कराया था कि नहीं, सिनोनिम्स और कुछ, वन वर्ड कराया, वन वर्ड, वन वर्ड नहीं कराया। लिखो हेडिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपने हिंदी में पढ़े होंगे संधि विच्छेद पढ़े हैं, क्या होता है इसका मतलब, एक शब्दों को आप दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, यहां पर और यहां पर, एक तो है, इसे क्या बोला जाता है, जो आगे वाला पार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है हिंदी में, प्रत्यय नहीं, उपसर्ग। तो इसे बोलते हैं उपसर्ग, और इसे बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में होता है इसे बोला जाता है क्या, फिक्स, और इसे बोला जाता है सफिक्स। तो लिखो हेडिंग सफिक्स, सफिक्स, सफिक्स लिख लो आज इसका पहला, फोबिया लगा लो, चलो फोबिया। फोबिया मतलब बताओ क्या है फोबिया का, क्या डर, बीमारी होती है भाई, इसका मतलब क्या होता है, फियर, फियर ऑफ समथिंग। अब लिखो फर्स्ट, फियर ऑफ हाइट, फर्स्ट लिखो फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर, बताओ क्या होता है, फियर ऑफ हाइट, कौन सा, बढ़िया। तो फियर ऑफ हाइट क्या होता है, एक्रोफोबिया। दूसरा फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस और ओपन प्लेसेस, फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस ऑब्लिक ओपन प्लेसेस, खुली जगहों से और पब्लिक प्लेसेस से डर, बताओ इसका होता है, दोनों ही होते हैं ना, ये भी होता है और एग भी बोल सकते हैं आप, इसे दोनों स्पेलिंग है इसकी, गोरा भी है और एग्रोफोबिया, ठीक है, एगोरा फोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से डर, डेप्थ DEPTH, फियर ऑफ डेप्थ का मतलब होता है बाथोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ ग्राइंडिंग टीथ, दांतों घिसने का डर, दांत घिसना जाए मेरे कहीं, फियर ऑफ ग्राइंडिंग टीथ, जो ब्रश नहीं करता सुबह सुबह डर लगता है कि दांत घिस जाएंगे मेरे, होता है बीमारी है, इसे बोलते हैं ब्रुक्सोफोबिया।
फोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ क्राउड, डेंड्रो। क्राउड का होता है डेमो। डेमो फोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ ट्रीज, फियर ऑफ ट्रीज का होता है डेंड्रो फोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ लाइट, फियर ऑफ लाइट इसे बोलते हैं फोटो। फोटो हो गया। नेक्स्ट है फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डार्कनेस। स्पेलिंग बताना, स्पेलिंग बताना ज़रा, क्या होता है NY CTO। फोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ डिसीज, बीमारी का डर। बताओ इसे बोलते हैं पैथोफोबिया। लास्ट फियर ऑफ डिसीज होती है पैथोफोबिया। लास्ट है फियर ऑफ अगलीनेस, फियर ऑफ अगलीनेस। अगली मतलब पता है, बताओ कैल नहीं, कैको, वो सुंदरता के लिए होता है। कैको फोबिया, कैलो। याद करो, सुनाओ फटाफट से जल्दी सारे वर्ड्स, दोबारा सुन लो। फियर ऑफ हाइट एक्रोफोबिया, फियर ऑफ पब्लिक प्लेस एगोरा एग्रो, डेप्थ बाथो, ग्राइंडिंग ब्रुक्सो, क्राउड डैमो, ट्रीज डेंड्रो, लाइट फोटो, डार्कनेस नेक्टो, और बीमारी पैथो, और अगलीनेस कैको। हो जाएंगे याद? देखो याद कैसे करने है, पहला वर्ड दे रखा है मैं फियर ऑफ हाइट, तो इसे याद करो। यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है आपको सी आर ओ, तो एक वर्ड होता है सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो का मतलब कौआ, कौआ नहीं है वो, कौआ होता है। तो जो क्रो होता है वो क्या है, ऐसे मान लो कि हाइट पे उड़ता है कौन, क्रो, क्रो से एक्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस या फिर ओपन प्लेसेस, तो ऐसे मान लो कि यहाँ पे ओ नहीं है, यहाँ पे लिखा है ए, तो क्या बन जाएगा ये, आगरा। तो आगरा में बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस, ताजमहल, लाल किला, तो वहां से याद कर लो एग्रोफोबिया। पब्लिक प्लेस कहाँ पे, आगरा में, आगरा से एग्रोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ डेप्थ, किसका बदल रहा है बेटा, फियर ऑफ डेप्थ। तो आपने देखा होगा पहाड़ों पे जाते लोग बार नीचे जंप लगाते हैं, किसके लिए, नहाने के लिए, तो नहाते हैं कहाँ पे जाके, गहराई में जाके, तो बात से बात हो फोबिया। क्लियर। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग टीथ, अब घिसते कैसे हो, ब्रश से, तो बी आर यू। देखो जो ब्रश वर्ड है उसमें भी जो बी आर यू होता है इसका मतलब घिसने के लिए ही यूज किया गया है वो वर्ड, ठीक है, बी आर का मतलब ही होता है घिसना, तो ब्रुक्सो फोबिया। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ क्राउड,
तो देखो हमेशा जब भी आप बात करेंगे क्राउड की, तो डेमो रूट वर्ड है क्राउड का, जैसे डेमोक्रेसी होता है कि नहीं होता, इसका मतलब क्या है डेमोक्रेसी का? तो जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लोगों की होती है, पीपल्स की, तो वहीं से बना है डेमो मतलब लोग, ठीक है? ऐसे कर लो, डेमो में ज़्यादा लोग आते हैं ना, बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो क्राउड का होता है डेमो में, तो डेमोफोबिया। क्लियर? नेक्स्ट है फियर ऑफ साइलेंट, नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ ट्रीज, तो ये बताया था, जैसे मान लो आप किसी ट्री के पास जाते हैं और ट्री में से कुछ गिरता है बालों में, तो बालों में क्या हो जाएगा? डेंड्रफ। और डेंड्रफ कैसे हो रहा है पेड़ों से? तो डेंड्रोफोबिया। क्लियर है ना? कुछ गिर रहा है बालों में, झड़ रहा है मतलब बालों में, तो डेंड्रफ नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट फियर ऑफ लाइट, तो लाइट में काफी अच्छे आते हैं फोटो, तो फोटो अच्छे कब आते हैं? लाइट में, तो लाइट से फोटो फोबिया। डार्कनेस का मतलब होता है रात, और रात कब होती है? नाइट में, तो नाइट से नेक फोबिया। ठीक है? नेक्स्ट है फियर ऑफ डिसीज, तो कोई बीमारी होती है उसकी जांच कहाँ पर होती है? पैथोलॉजी में। तो जो पैथो होती है उसका मतलब ही होता है, जहाँ डायग्नोस की जाती है डिसीज को, उसे बोला जाता है, तो पैथो फोबिया। ठीक है? नेक्स्ट है, लास्ट वर्ड है अगलीनेस। तो आपने एक वर्ड सुना है कैकोफोनी, नहीं सुना होगा, कैकोग्राफिस्ट, क्या सुना है फिर? तो कैको का मतलब ही होता है हमेशा अगली, किसकी गंदी राइटिंग होती है उसे बोला जाता है कैकोग्राफिस्ट, और कैकोफोनी का मतलब होता है कानों में जो चुभता है साउंड, उसे बोला जाता है कैकोफोनी। तो इसका मतलब हमेशा नेगेटिव वर्ड है, मतलब बहुत चुभने वाला साउंड है, तो कैको मतलब बेकार, कैको कैको कैके कर रहा है ज्यादा, कैको हो गया, बस बहुत है, याद करो सुनाओ जल्दी से, स्टॉप कर दूं इससे अब मैं।